अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सजाद अमान, आप देख रहे हैं अमान ट्रैवल एंड फूड। आज हम कुछ बल्कि इसको समझ लें कि मैं अपनी तरफ से एक ट्राई कर रहा हूँ, मतलब आजकल जो है ना ज्वार के मकई के फसल के दिन हैं, तो हमने कुछ मकई के दाने लिए, बल्कि पहले फुल जो है ना कॉर्न लिए हैं, उनको जो है ना मतलब ये दाने उनसे जो है ना अलग कर दिए हैं एक एक करके। अब इससे जो है ना हम कोशिश ये कर रहे हैं कि स्वीट कॉर्न्स बनाएं देसी तरीके से, मेरे अपने तरीके से। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा और अल्लाह करे कि ठीक भी हो और अच्छा भी हो। तो चलें शुरू करते हैं। इसलिए पहले अच्छा हमने सब ये किए कि जब वो कॉर्न को छीलें, उन कॉर्न से जो है ना मैंने ये दाने अलग किए कर दिए, और ये दाने जो है ना मतलब ये कि अभी हम जो है ना इसको पानी में उबालेंगे। सबसे पहले हमने जो है ना देगची में ये पानी लिया है और अभी इसको उबालने के लिए रखेंगे। जब तक पानी गर्म होता है, उबलता है, हमने ये बटर जो है ना ये थोड़ा सा अलग कर दिया है, इसको मेल्ट करके ये इसमें हमने ये कौन सा डाल लिए। ये अभी काफ़ी अच्छी तरह से उबल गया है और मेरे अंदर देखते हैं ज़रा इसका दाना, चेक करते हैं कि तैयार हो गया या नहीं। अभी हम क्या करेंगे, इसको पानी से निकाल लेंगे थोड़ा सा। ये तकरीबन हमने इसको 10 मिनट तक उबाला है पानी में, और उबलते हुए पानी में हमने डाला है और फिर 10 मिनट तक इसको हमने उबाला है। अब इसको हम निकाल लेंगे। फ्राइंग पैन, अच्छा ये फ्राइंग पैन हमारा हाँ गर्म हो गया है, तो इसमें अभी हमने जो बटर जो है काट के रखा हुआ था, बटर इसमें मेल्ट कर लेंगे। ये जब अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो इसमें हमने डाल लेना है ये थोड़ा सा, ये हमने गुड़ का शक्कर लिया है, शक्कर क्या है खुद ही जो है ना गुड़ को अभी जो है पीस लिया है, तो ये पीसा हुआ गुड़ जो है ना हम इसको शक्कर भी कहते हैं। इसको जब ये जरा गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे ये बटर की, ये इसमें हम डाल लेंगे और इसको साथ ही मिक्स कर लेंगे। ताकि ये गुड़ भी साथ में मेल्ट हो जाए। ये देखें फूलना तो शुरू हो गया, लेकिन इसको हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स भी करना है और मेल्ट भी करना है, ताकि ये इस जो कॉर्न्स हैं इसके ऊपर अच्छी तरीके से कोट हो जाए। ये हमारा मेल्ट हो गया। अब ये जो हमने बॉइल्ड रखे हुए थे इसके ऊपर ये हम डाल लेंगे। और इसमें अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी इस तरह समझ लें कि मेरी अपनी ही है, तो उम्मीद है अच्छी भी होगी। अब घर के बच्चों को पसंद आ गई तो फिर तो आपके बच्चों को भी पसंद आएगी। ये गुड़ है। वैसे गुड़ और बटर का जो मिलाप हुआ है जायका उसका भी ज़बरदस्त है। ये बन गया है, ये नीचे जो है ना ये आ गया हमारे पास, तो टेस्ट कर रहे हैं इसका चस्का कि
कैसे बना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाकई बहुत मज़े का, खासकर इसमें जो हमने बटर डाला है और उसके साथ गुड़ का शीरा, उसकी वजह से टेस्ट बहुत ही आला। उम्मीद है बच्चों को क्या कि बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वस्सलाम।